दर्शकों, हम रोजाना की तरह आज फिर लेकर के हाजिर हैं आज का राशिफल। राशिफल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियों को प्राप्त की जा सकती है। ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशिफल का भी निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी हमेशा एक समान नहीं होती हैं। आज शुक्रवार 5 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? आज का दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है? आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस राशिफल में मिलेगा। तो जानने के लिए देखें आज का राशिफल। तो शुरू करते हैं मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों के लिए आज आप वाणी में मधुरता लाने का प्रयास करें। पड़ोसी से कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, इसलिए गणेश जी आज के दिन आपको सावधान रहने की सलाह देते हैं। आपकी भागदौड़ बनी रहेगी, कार्य क्षेत्र में सूझबूझ से काम लेंगे। भटकाव की स्थिति कष्टदायक हो सकती है, शारीरिक और मानसिक परेशानियां मिल सकती हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, व्यर्थ के तनाव की संभावना है। नया कामकाज शुरू करने के लिए या फिर वर्तमान कार्यों में नई पद्धति को अपनाने के लिए समय अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में मित्र लाभदायी बन सकते हैं, साझेदारी के कार्यों के लिए उत्तम समय है। सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का कार्यक्रम बनेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए आज भटके हुए काम बन सकते हैं। वित्तीय स्थिति में सुधार भी संभव है, निजी संबंध सहायक रह सकते हैं। आय से अधिक धन व्यय होगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में आप सावधान रखें। निवेश लाभकारी साबित हो सकता है, मित्रों के साथ मौज मस्ती में समय बीतेगा। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, दिन प्रसन्नता पूर्वक बीतेगा। एजुकेशन में सार्थक परिणाम मिल सकते हैं। अपनी भावनाओं को दबाएं और छुपाएं नहीं, अपने जज्बात दूसरों के साथ साझा करने से आपको फायदा मिलेगा। प्राप्त हुआ धन आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। बच्चे भविष्य की योजनाएं बनाने की अपेक्षा घर के बाहर ज्यादा समय बिताकर आपको निराश भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए आज आपकी फैसला शक्ति मजबूत होगी। दूसरों की देखा देखी न करें, पारिवारिक फैसला लेने में देरी नहीं करना चाहिए। निवेश कर सकते हैं, नई तकनीक का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आज का दिन अनुकूल है, किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। आज आप उत्साह और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। काम काज के मामलों को सुलझाने के लिए अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करें। अगर आप किसी परेशानी में हैं, तो जल्द ही उस परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी और आप फिर से राहत की सांस ले सकेंगे। आज किसी भी कार्य को आप पूरी मेहनत से करें। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए आज अपनी वाणी पर संयम रखें। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए आज का दिन बेहतरीन दिन है। आज लोग आपकी वो प्रशंसा करेंगे जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे। पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहेगा, व्यवसाय में बाधा उपस्थित होने की संभावना है और उच्च पदाधिकारियों की अप्रसन्नता के कारण दुखी होने की संभावना भी है। मानसिक दबाव के बावजूद आपकी सेहत अच्छी रहेगी। नए कामों में आपको सफलता मिलेगी। आपको अत्यंत ही आर्थिक दबाव या फिर आत्मसम्मान से संबंधित किसी अन्य समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वास्तविकता आपके सामने होते हुए भी आप जरूरत से ज्यादा चिंता कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए आज आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, खर्च की चिंता से मन अशांत रह सकता है। वाणी पर संयम बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। दैनिक कार्यों में आपका दिन बीतेगा, परिजनों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें। पेशेवर मामलों को सहजता से सुलझाने का प्रयत्न करें, नई चीजों पर ध्यान लगाएं और अपने सबसे अच्छे दोस्त की सहायता लें। व्यर्थ की भागदौड़ से थकान हो सकती है, आय के स्रोत में बढ़ोतरी हो सकती है। आज के दिन आप किसी कुदरती या फिर खूबसूरती से खुद को सराबोर महसूस करेंगे। अपना पक्ष रखने से पहले औरों की बातों को जरूर सुनें।
अधिकारी कामकाज में आपका सहयोग करेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए गणेश जी कहते हैं कि आज आपके दिन की शुरुआत ऊर्जापूर्ण रहेगी, लेकिन व्यवहार में आक्रामकता हो सकती है, जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मनोरंजन के कार्यक्रम में आप शामिल भी हो सकते हैं, कुछ रोचक और नए अनुभव मिलेंगे। पढ़ाई या फिर करियर से जुड़े काम नए सिरे से शुरू होंगे, कई चीजें आप सीखेंगे, कुछ कामों में नए अनुभव मिलेंगे। आज कुछ नए पारिवारिक तनावों से मन अशांति का एहसास करेगा, कुछ चिंताएं मन पर प्रभावी होंगी। महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति आलस्य न करें। आज आपका खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, आलस्य से दूर रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए लंबे समय से रुका हुआ आपका काम आज के दिन सफलतापूर्वक पूरा होगा। आपको लाभ के लिए जोखिम उठाना भी पड़ सकता है। साझेदारी से किए गए काम आपके लिए लाभदायक साबित होगा। भूमि भवन संबंधी कामकाज में धन लाभ होगा। नौकरी पेशा में नौकरी आपके लिए अनुकूल रहेगी। आपको नौकरी से संबंध में एक अच्छी खबर भी प्राप्त हो सकती है। पदोन्नति या फिर वेतन वृद्धि भी आपको आज मिल सकती है। आज आपके सभी तनाव और समस्याओं से छुटकारा पाने का दिन है। लोगों के प्रति अपने मन में किसी भी तरह का द्वेष रखना आपके लिए ठीक नहीं होगा। धन से संबंधित परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज किसी बात को लेकर तनाव न दें, किसी का विरोध न करें। आज कुछ काम आपकी मर्जी से नहीं हो पाएंगे, इसके लिए आप खुद को तैयार रखें, परेशान न हो। आप किसी बात पर झुंझला भी सकते हैं, आत्मविश्वास में कमी होगी और कार्यों में सफलता मिलने में संदेह है। पहले में की हुई गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। आज आपका अपने परिवार के लोगों के साथ झगड़ा होने की प्रबल संभावना है, इसलिए जरा अपनी कथनी पर काबू रखें। अगर आप किसी कारण उत्तेजित भी हो जाएं, तो बात को समझते हुए अपने गुस्से पर काबू रखें। किसी बहस में पड़ने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए अनुकूल रह सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी बहुत प्रशंसा हो सकती है, कार्य सरलता से पूरे हो सकते हैं। सरकारी कार्यवाही से संबंधित कार्यों में लाभ होगा। गृहस्थ जीवन में मधुरता रहेगी। आपके लिए दिन थोड़ा सामान्य रहेगा। नौकरी और अपनी स्थिति पर विचार करना होगा। कोई चुनौती दे तो तुरंत पलटकर उसका जवाब न दे। सोचे हुए काम भी अच्छे ढंग से पूरे हो जाएंगे। आप किसी तरह का कोई नया निवेश भी कर सकते हैं। आज जो भी योजना बनाने जा रहे हैं, उसमें पूरी तरह से गोपनीयता रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। संतोषजनक परिणाम पाने के लिए काम को योजनाबद्ध तरीके से करें। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए आज कुछ भी हो, अपने कार्यालय और सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा करने से बचें। आप बस अपने गुस्से पर काबू रखें और परेशानी से बचें। आपके कार्य की सराहना होगी। कई दिनों से रुके हुए काम आज पूरा हो सकते हैं। किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। विदेशी संस्थान से छात्रवृत्ति या फिर प्रवेश संबंधी खबर की प्रतीक्षा कर रहे छात्रों को अच्छी खबर मिलेगी। आपको आर्थिक मामलों में दोस्तों की सहायता मिल सकती है। चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में फंसने से बचें। समय आपके लिए अच्छा बीतेगा, बशर्ते आप तनाव से दूर रहें। जब आप अकेलापन महसूस करें तो अपने परिवार की मदद लीजिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए आज आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। सफलता प्राप्त होगी। एक ही दिशा में की गई मेहनत से बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। आज आपको विभिन्न क्षेत्रों में लाभ होने की संभावना है। मुख से निकलने वाले शब्दों को कंट्रोल में रखें। आपको किसी अन्य शहर में यात्रा करने का मौका मिल सकता है। कुछ लोग अपने घर का नवीनीकरण करा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आज आपके किसी महत्वपूर्ण विचार या फिर योजना को मान्यता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा। पैसा की तंगी खत्म हो सकती है। आपके व्यापार में जो भी आपके सहयोगी हैं,
वो आपकी सहायता कर सकते हैं और उससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए आज अगर आपके सामने अच्छी अवधि के लिए कोई भी प्रस्ताव आता है तो भी आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। किसी निजी मामले में दूसरे की सलाह लेने में कोई बुराई महसूस नहीं होगी। अगर कोई गुमराह हो रहा है तो आप उस पर नजर रख सकते हैं। घबराएं नहीं, ध्यान से समझकर समय रहते हुए अवसर का लाभ उठाएं। कार्यस्थल पर आपको मुश्किल काम का सामना करना पड़ सकता है। शैक्षणिक स्तर पर नोट्स का आदान प्रदान आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आज किए गए हर काम में सफलता मिलेगी। आज आपके भावनाओं में बहने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। किसी भी काम को करने से पहले सोच समझ कर फैसला लें। आपकी कुंडली और राशि के ग्रहों के आधार पर आपके जीवन में घटित हो रही घटनाओं में कुछ बदलाव भी हो सकता है, इसलिए आप पूरी जानकारी के लिए किसी पंडित या फिर ज्योतिषी से मिल सकते हैं।